हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर यहाँ पे मेरे पास एक रेडमी 6 ए फ़ोन आया हुआ है, जैसा कि यहाँ पे आपको सिंपली दिख रहा होगा। तो फ्रेंड, ये मेरे एक कस्टमर का फ़ोन है, उन्होंने ये जो सेट है उनको पटक दिया है, मतलब ठीक है ना, पटकने के बाद या गिरने के बाद इनकी जो डिस्प्ले है वो पूरी तरीके से डैमेज हो गई है। और ये फ़ोन कुछ दिनों के लिए उन्होंने रखा हुआ था, मतलब उनके बाद ये रिपेयर के लिए लेके आए हैं। तो इसके अंदर फ्रेंड प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इसकी जो डिस्प्ले ऑलरेडी पहले से काफ़ी टूटी हुई है, ठीक है, बट इसकी बैटरी भी ख़राब थी। यहाँ पे मैंने दूसरी बैटरी इसके अंदर लगा दी, और बैटरी लगाने के बाद इसके अंदर प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जब इसके हम बैटरी को फ़ोन के अंदर लगा देते हैं और सेट को हम जैसे ही ऑन करते हैं फ्रेंड, तो ये सेट ऑन नहीं हो पाता, ओनली खाली वाइब्रेट होता है। देखो, यहाँ पर मैंने बैटरी लगा दिया है और यहाँ पर एक बार सेट को यहाँ से हम ऑन करते हैं। देखो, सेट को ऑन किया, वाइब्रेट हुआ ये फ़ोन, ठीक है। थोड़ा सा कुछ सेकेंड वेट करते हैं और ये फ़ोन फिर से वाइब्रेट होगा। देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पे फिर से ये वाइब्रेट हुआ, मतलब फ़ोन के अंदर ये जो कंडीशन है वो बार बार चलता रहता है और फ़ोन हमारा ऑन नहीं हो पाता है। देख सकते हो, ये फिर से वाइब्रेट हुआ यहाँ पे, तो इसी कंडीशन में ये बार बार वाइब्रेट होता रहता है फ्रेंड। और इसके अंदर मैंने दूसरी डिस्प्ले भी लगा के देखी है, ना कोई ग्राफिक आ रहा है, ना कोई लाइट आ रहा है, फ़ोन चालू तो हो ही नहीं रहा है। आपने देख रहा, आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये बार बार वाइब्रेट हो रहा है। इसके डिस्प्ले पे भी कुछ नहीं आ रही है, ना ही लाइट वगैरह कुछ नहीं आ रही है। मेरे पास एक पहले से डिस्प्ले पड़ा हुआ था जिसके अंदर लाइट आती है, इसके अंदर लाइट वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। टूटी डिस्प्ले है तो इसके अंदर लाइट भी आनी चाहिए थी। तो खैर, यहाँ पे ये डिस्प्ले मैं लगा देता हूँ इसके अंदर, और ये डिस्प्ले लगाने के बाद भी एक बार हम चेक कर लेते हैं कि डिस्प्ले के अंदर कोई ग्राफिक वगैरह कुछ भी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। ऑलरेडी इनकी बैटरी भी ख़राब थी, तो मैंने बैटरी यहाँ पे नहीं डाली है, और उनके बाद भी ये सेट जो है वो ऑन नहीं हो पा रहा है। यहाँ से मैं सेट को एक बार फिर से ऑन करता हूँ, और ये वाइब्रेट आप देखिए, यहाँ पे देखो फ़ोन वाइब्रेट हुआ। और हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं, देखो ग्राफिक डिस्प्ले पे कुछ भी नहीं आ रहा, ब्लू डिस्प्ले वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा है। अभी आप फोन देख सकते हो, फिर से यहाँ पे ये वाइब्रेट हो रहा है। तो ये फ़ोन बार बार कंडीशन में ये वाइब्रेट हो रहा है, देखो ये फिर से वाइब्रेट हुआ। डिस्प्ले पे कुछ भी स्क्रीन पे देखने को नहीं मिल रहा फ्रेंड, ठीक है। तो फ्रेंड, आज का ये वीडियो कंप्लीट देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर इसकी जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से और किस तरीके से सिंपली हम रिपेयर करते हैं। अगर आपके पास भी कुछ इस तरीके का सेट रिपेयर के लिए आता है, तो सबसे पहले आपको ये करना है कि इनका जो बटन होता है उनको एक बार चेक करना है आपको। दूसरी चीज़, इसके अंदर एक बार सॉफ्टवेयर करके देखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसकी जो है वो बटन यहाँ पे डिस्प्ले लगा देता हूँ, इनकी बैटरी को भी लगा देता हूँ, और एक बार सेट को यहाँ से ऑन करने के बाद इनकी जो पत्ती होती है ऑन ऑफ स्विच की, उसको मैं यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है। देखो अभी ये वाइब्रेट, देखो यहाँ से हम सेट को ऑन करते हैं, ये ऑन हुआ, और इसकी ये जो बटन है इसको यहाँ से मैंने बाहर निकाल दी, इनकी पत्ती जो होती है ऑन ऑफ करने वाली। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड, फिर से ये वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है। तो पहली जो हमारी कंडीशन है वो यहाँ से ओके हो गई है, फिर भी ये फ़ोन वाइब्रेट हमारा हो रहा है बार बार, ठीक है। तो अभी सिंपली करना क्या है, दूसरे सेटअप में क्या करना है, फ़ोन को एक बार करना है फ्लैश, ठीक है, क्योंकि इस तरीके की प्रॉब्लम हमारी सॉफ्टवेयर की वजह से भी दिक्कत आती है। तो एक बार सॉफ्टवेयर भी हम करके फ़ोन के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, सॉरी ऊपर मतलब उसकी तरफ, ठीक है। यहाँ पे है हमारा ये, इसकी मैं लाइट को ऑफ़ कर देता हूँ, यहाँ से मैंने लाइट ऑफ़ कर दिया है, और यहाँ से हम एस वी फ्लैश टूल को ऑन कर लेते हैं, और इस पे जो है हम अभी जो MI6A का जो फ्लैश फाइल होते हैं वो यहाँ पे हम ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये ऑलरेडी इनका DA होता है, इन पे हम चॉइस पे क्लिक करते हैं, इसका जो स्केटर फाइल होता है उनको हम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे MI देख सकते हो 6 है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ से इनकी जो फ्लैश फाइल होती है वो यहाँ से इसका स्केटर फाइल को हम ले लेते हैं डबल क्लिक करके, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी इनकी फाइल वो चढ़ चुकी है। अभी यहाँ पे हमको MCT MT का जो बाईपास होता है, ऑथ बाईपास टूल होता है, उसको यहाँ से सिंपली हम ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए, जहाँ तक मिस होता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ पूरी वीडियो में, जहाँ तक अच्छे तरीके से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये टूल फाइनली ओपन हो चुका है, और यहाँ पे सिंपली आपको बाईपास पे क्लिक करना है, और इनकी जो बैटरी होती है वो मैं यहाँ से लगा देता हूँ मोबाइल की, ठीक है, यहाँ पर मैंने लगा दिया, और इनकी जो ऑन ऑफ वाली स्विच की पत्ती होती है वो भी मैंने यहाँ पर लगा दिया। और लगाने के बाद यहाँ पे सिंपली करना है क्या आपको, बाईपास तो मैंने क्लिक किया हुआ, इसकी वॉल्यूम और वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन को यहाँ पे प्रेस करना है, और इनके अंदर डाटा केबल को इंसर्ट कर देना है, ठीक है। इंसर्ट करने के बाद ये आपका जो फ़ोन है वो आपके पीसी से या लैपटॉप से बूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन बटन यहाँ पर मैंने प्रेस किया, और यहाँ पर मैं डाटा केबल लगा देता हूँ, ठीक है। देख सकते हो, मैंने जैसे डाटा केबल लगाया फ़ोन का जो प्रोटेक्शन है वो डिसेबल हो चुका है, और यहाँ पर सिंपली डाउनलोड के ऊपर हम यहाँ पर
क्लिक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इनका जो डीए है वो लिया अभी, और यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, एक बार देखते हैं हमारा जो फ्लैशिंग है वो कंप्लीट हो पाता है या नहीं हो पाता है फ्रेंड। ठीक है, फ़ोन की यहाँ पे जो जो रेड वाइट लाइट होती है वो यहाँ पे जल रही है, और यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है फ्रेंड। तो सिंपली फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो, जैसे इसको मैंने यहाँ पे फ्लैश किया तो ये काफ़ी देर यहाँ पे वेट करना पड़ा, और वेट करने के बाद यहाँ पे एरर स्टेटस प्रोटोकॉल यहाँ पे देख सकते हो, एरर यहाँ पे कुछ देखने को मिल रहा है फ्रेंड। ठीक है, फ़ोन हमारा फ्लैश हो जाना चाहिए था, फ्लैश नहीं हो पा रहा है, तो इसके मतलब इसके अंदर कहीं ना कहीं हमारे EMMC के अंदर दिक्कत है, क्योंकि ये जो फ़ोन है वो ऑटो मतलब ऑटो वाइब्रेट हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, अगर ये फ्लैश हो जाता कंप्लीट, अगर उसके बाद भी ये सेम कंडीशन पे हो रहा था तो आगे हम देखते, बट अभी जो प्रॉब्लम है इसके अंदर फ्लैशिंग नहीं हो पा रही है, तो अभी कहीं ना कहीं इसके अंदर जो EMMC की प्रॉब्लम है फ्रेंड। ठीक है, तो चलो अभी फ्रेंड हम क्या करते हैं, इसके जो EMMC IC है पहले उसको एक बार हल्का सा मूव करके देखते हैं क्या होता है फ्रेंड। ठीक है, इसको अभी तक सिर्फ मैंने ही खोला है और इसको किसी ने काम इस पे नहीं किया हुआ है। ठीक है, ये ऑलरेडी पहले से ही खुला हुआ था, तो खैर इसकी बात हम नहीं कर सकते, यहां से हम लाइट को जला देते हैं। ठीक है, तो अभी आपने देखा फ्रेंड, इसको मैंने फ्लैश करने की भी कोशिश की तो यहां पे ये फ्लैश नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो ये जो देख सकते हो इसका केन पूरी तरीके से फिक्स है, इसका किसी ने इसको ओपन नहीं किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल ही फ्रेश कंडीशन में ये जो मदरबोर्ड है, यहाँ पे किसी ने इस पर भी काम नहीं किया हुआ फ्रेंड, देख सकते हो बिल्कुल फ्रेश है इसका मदरबोर्ड। ठीक है, तो फ्रेंड अभी फर्स्ट स्टेप जो मैंने कर दिया वो आपने देखा, तो अभी सेकेंड में करना है क्या है, ये जो इसकी EMMC है इसको हल्का सा पेस्ट डालेंगे, और पेस्ट डालने के बाद इस EMMC को हल्का सा मूव करके यहाँ पे हम देखेंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड यहाँ पे मदरबोर्ड थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। ठीक है, तो अभी इसका मदरबोर्ड हम यहाँ से निकाल देते हैं, और निकालने के बाद एक बार सेट को ऑन करके यहाँ पे पहले देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे हम सेट को ऑन करके देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे देखो सेट ऑन हुआ। तो फ्रेंड अभी भी देख सकते हो कि सेट ऑन हुआ, बट यहाँ पे अभी भी सेम कंडीशन हो रहा है, मतलब इसकी जो वाइब्रेट है वो यहाँ पे बार बार वाइब्रेट कर रहा है, देख सकते हो यहाँ पे वाइब्रेट हो रहा है फिर से, ये देख सकते हो ये फिर से वाइब्रेट यहाँ पे हो रहा है, देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड, तो प्रॉब्लम इनकी ठीक नहीं हुई है अभी तक। ठीक है, तो अभी फ्रेंड सिंपली और क्या करते हैं हम यहाँ से, कि इनकी जो EMMC IC होती है उनको निकालेंगे फ्रेंड। ठीक है, तो उनको निकाल देते हैं, उनको निकालने से पहले एक बार इसकी जो सॉर्टिंग वगैरह है उनको भी हम यहाँ पे एक बार कंफर्म कर लेते हैं, जो कि मैंने पहले किया नहीं, जो पहले करनी चाहिए थी। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार हम सॉर्टिंग को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो ये रिवर्स वाइस में है, और यहाँ पे जैसे हम फॉरवर्ड वाइस में करते हैं तो बैटरी कनेक्टर पे कोई भी सॉर्टिंग यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो आगे हम उस इनके ICO के पास थोड़ा एक बार चेक कर लेते हैं कोई सॉर्टिंग है कि नहीं है। तो फ्रेंड कोई कहीं पे इधर सॉर्टिंग नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक बार इसकी पावर सेक्शन पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कोई सॉर्टिंग वगैरह है कि नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ पे भी ओके है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलो अभी क्या करते हैं, फटाफट इसकी जो EMMC IC है उसको हम पहले बाहर निकालते हैं, और बाहर निकालने के बाद इसको रिवॉल्व करेंगे, और रिवॉल्व करने के बाद एक बार अपने UFI बॉक्स के अंदर इस EMMC IC को आइडेंटिफाई करके देखेंगे फ्रेंड। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर EMMC के अंदर कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, वो हमारे UFI बॉक्स के अंदर क्लियर हो जाएगा कि क्या दिक्कत है इसके अंदर, जो ये फ़ोन इस तरीके का हो रहा है।
तो फ्रेंड यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको इसकी जो EMMC होती है उनके यहाँ पे सीरियल नंबर या कोडिंग वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो। आपको ऐसा ना लगे कि वीडियो के अंदर मैंने कहीं पर भी इसकी EMMC को चेंज कर दिया है या फिर मैंने इसके साथ कुछ भी छेड़खानी कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो EMMC जो मैंने निकाली है वो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियर, ठीक है। तो चलो अभी फटाफट क्या करते हैं, इस IC को क्लीन करते हैं और इसको रिवॉल्व करके अपने UFI बॉक्स के अंदर आइडेंटिफाई कर देते हैं। सिंपली फ्रेंड यहाँ पे जो मेरी IC है वो यहाँ पे फाइनली रिवॉल्व हो चुकी है जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो फ्रेंड इस IC को अभी हम क्या करेंगे, अपने UFI बॉक्स के अंदर आइडेंटिफाई करेंगे और आइडेंटिफाई करने के बाद इस EMMC के इंफॉर्मेशन को चेक करेंगे कि इस EMMC के अंदर कोई प्रॉब्लम है या नहीं है या फिर ये सॉफ्टवेयर जो है वो एरर क्यों हो रहा है फ्रेंड, ठीक है। तो चलो पहले इसको एक बार थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने फाइनली कर दिया है और करने के बाद यहाँ पे हमारा UFI बॉक्स है तो इसके अंदर अभी हम EMMC को जो है वो डालेंगे और डालने के बाद एक बार इसको हम यहाँ पे चेक भी करेंगे। कर दिया फ्रेंड, ठीक है। और अभी हम चलते हैं अपने UFI मतलब अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे इसकी लाइट ऑफ हो गई है। इनकी लाइट को ऑफ कर देते हैं एक बार और करने के बाद यहाँ से हम सिंपली फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो ये किस तरीके का एरर आ रहा था। यहाँ पे बोल रहा है आपको नया डाटा केबल चेंज करने के लिए, यहाँ पे नया PC मतलब चेंज करने के लिए यहाँ पे कुछ इस तरीके का एरर आ रहा था। अभी इन सब चीज़ों को मिनिमाइज कर देते हैं यहाँ पे और अपना जो UFI का EMMC टूल बॉक्स होता है उसको सिंपली एक बार ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड यहाँ पे UFI ऑन हो चुका है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है। और करने के बाद यहाँ पे कुछ ओके ऑप्शन आ रहा है, इसको हम ओके कर देते हैं, क्लोज़ कर देते हैं, ठीक है। करने के बाद यहाँ पे सिंपली करना है क्या, आइडेंटिफाई EMMC पे यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो जैसे मैंने इसकी EMMC को आइडेंटिफाई किया तो यहाँ पर ये आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है। इसके अंदर मैंने EMMC को डाला हुआ है इसके अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो एक बार यहाँ पे EMMC को इसमें हम पैक किया हुआ, इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम प्रेस कर देते हैं और इसको प्रेस करने के बाद एक बार यहाँ पे फिर से आइडेंटिफाई पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे फिर से क्लिक कर दिया, देखो यहाँ पे ये ग्रीन लाइट मतलब ब्लू लाइट जल रही है बट यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है। इसको जो है मैंने यहाँ पे EMMC को प्रेस किया हुआ है बॉक्स के अंदर कि इनकी जो पिनें होती है वो बॉल में टच हो जाए, बट यहाँ पे देख सकते हो इनकी जो EMMC है वो पूरी तरीके से डेड है और डेड होने के कारण क्या हो रहा है कि ये आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही है, ठीक है। एक बार बॉक्स को लॉक करने के बाद एक बार फिर से इसको आइडेंटिफाई पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हो इसकी जो EMMC है वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, मतलब आइडेंटिफाई भी यहाँ पर ये जो EMMC है वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड अभी क्या करना है, सिंपली इनकी EMMC तो डैमेज हो चुकी है तो इनकी EMMC जो है वो आपको चेंज करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मेरे पास एक EMMC है जो कि SK हाइनिक्स का ही है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मैं लाइट जला देता हूँ और यहाँ पे इसकी जो EMMC है पहले इनका जो नंबर है वो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था। देख सकते हो ये नंबर है, आप जाके वीडियो बैक करके आप देख सकते हो कि ये सीरियल नंबर वही है या फिर कोई अलग है, ठीक है। चलो मेरे पास एक यहाँ पे और EMMC है जो कि SK हाइनिक्स का ही है, तो इसको यहाँ पे मैं क्लीन कर देता हूँ पहले थोड़ा सा।
देखो यहाँ पे मैंने क्लीन कर दिया, तो यहाँ पे मेरे पास ये एसके हाइनिक्स का ये भी ईएमएमसी है, तो ये हमारी डेड हो गई है जो कि अभी काम नहीं कर रहा है। तो ये वाले जो ईएमएमसी है वो हम इस फ़ोन के अंदर लगाएंगे, और इस बॉक्स इसको लगाने के बाद इसका अंदर एक बार आइडेंटिफाई पे हम क्लिक करके देख लेते हैं। फ्रेंड ये जो हमारी ईएमएमसी आईसी है वो मैंने एक फ़ोन से निकाला हुआ है, ठीक है फ्रेंड। तो अभी क्या करता है, सिंपली ये जो ईएमएमसी है वो आप नंबर मिला लेना वीडियो बैक करके, ठीक है, इसको हम साइड में रखते हैं, और ये ईएमएमसी को एक बार अपने बॉक्स के अंदर लगा के इसको आइडेंटिफाई पे क्लिक करके देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले इसको हम क्लीन कर लेते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड एक बार इसको यहाँ से, ये मिस्टेक थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, तो फ्रेंड अभी क्या करना है सिंपली कि यहाँ पे ये ईएमएमसी को यहाँ पे मैं ठीक से लगा देता हूँ पहले, ठीक से। और अभी हम क्या करते हैं सिंपली यहाँ पे लगाने के बाद यहाँ पे इसको हम आइडेंटिफाई करके अपने यूएफआई बॉक्स के अंदर चेक करेंगे फ्रेंड, ठीक है। तो चलो यहाँ पे ईएमएमसी को मैंने लगा दिया है, लगाने के बाद यहाँ पे हम इसको कुछ इस तरीके से पैक कर देते हैं, और इनकी जो ये ईएमएमसी है वो डैमेज है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे मैंने साइड में रखा हुआ है, और यहाँ पे एक बार आइडेंटिफाई पे हम क्लिक कर देते हैं, और देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ से मैं लाइट इनकी ऑफ कर देता हूँ। तो देखो फ्रेंड ये जो ईएमएमसी है मेरे हाथ में है, ये इनकी पुरानी वाली ईएमएमसी है, और यहाँ पे मैंने यूएफआई बॉक्स के अंदर दूसरी ईएमएमसी इसके अंदर मैंने डाला हुआ है, जो कि कंफर्टेबल ईएमएमसी है, जो कि रेडमी 606 से मैं लग जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये 2 GB की ईएमएमसी है यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये 14 GB कुछ पॉइंट दिखा रहा है यहाँ पे। तो सिंपली करना क्या है, ये जो ईएमएमसी है इसको पहले फैक्ट्री रिसेट, मैंने ऑलरेडी पहले ही किया हुआ था, एक बार फिर से इसको हम फैक्ट्री रिसेट कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ से हम सिंपली क्या करते हैं इरेज पे क्लिक कर देते हैं। और फ्रेंड यहाँ पे फिर नैन टेस्ट भी एक बार कर लेते हैं, एक बार फिर से इसको आइडेंटिफाई पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड। देखो ये इसके सारी चीज़ें इनके अंदर मैंने कर दिया है, और सिंपली करने के बाद यहाँ फैक्ट्री इमेज में आते हैं, और फैक्ट्री इमेज में आने के बाद यहाँ पे सिंपली हम मीडिया टेक को सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ से इसका स्कैटर फाइल हम यहाँ पे डाल देते हैं, जो हमारा 6A का फाइल है उनकी जो स्कैटर फाइल होती है वो इसके अंदर हम डायरेक्टली जो है वो डाल देते हैं यहाँ पे, 6A का हमारा ये फाइल है, ठीक है। यहाँ से इनकी स्कैटर फाइल को हमको लेना है, डैप हम डॉप ड्राउन कर देना है यहाँ पे लाने के बाद, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ से लेके यहाँ पे डायरेक्टली डाल दिया है, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे फाइल आ चुका है, और इनकी जो कंफर्टेबल ईएमएमसी मैंने इसके अंदर लगाया हुआ, आप कोई भी डायरेक्टली ईएमएमसी लगा देंगे तो काम नहीं चलने वाला है, इनकी कंफर्टेबल ईएमएमसी इसके अंदर आपको लगानी होगी। तो यहाँ पे इसका जो क्लॉक होता है उनको हम 20 MHz पे कर देते हैं, 24 MHz पे कर देते हैं, और यहाँ पे सिंपली इसी के अंदर इसको हम फ्लैश कर देते हैं, और फ्लैश करने के बाद डायरेक्टली ये ईएमएमसी मदरबोर्ड पर डाल के चेक करेंगे, ठीक है। चलो पहले यहीं से इसको हम फ्लैश कर पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे मैंने राइट पे क्लिक कर दिया, और यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैश होने में समय लगेगा, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं फ्लैश होने का। सिंपली फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो फोन जो ये ईएमएमसी आईसी है उसके अंदर यहाँ पे फ्लैश हो चुका है कंप्लीट। तो यहाँ पे सिंपली करना क्या है, एक बार फिर से इसको हम आइडेंटिफाई पे क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हो ये पूरी तरीके से यहाँ पे फ्लैश हो चुका है जैसा कि आपने देखा, ठीक है। अभी सिंपली करना क्या है आपको कि ये जो ईएमएमसी है इसको सिंपली लेना है और अपने मदरबोर्ड पे लगा देना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, इनका जो मदरबोर्ड की जो बॉल होती है जो ईएमएमसी के, जो कि मैंने अभी तक क्लीन नहीं किया है, उनको पहले यहाँ से हम क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी बॉलें हैं, उनकी बॉल को पहले हम यहाँ पे क्लीन कर लेते हैं, जब यहाँ से मैं लाइट इनकी जला देता हूँ, ठीक है। और इनकी बॉल को यहाँ से मैं पहले फटाफट यहाँ से क्लीन कर देता हूँ,
सिंपली फैंड यहाँ पे देख सकते हो इनकी जो बॉलें हैं वो यहाँ पे क्लीन हो गई है। तो क्लीन होने के बाद यहाँ पे सिंपली जो है इसकी EMMC जो है वो हम इस फ़ोन के अंदर लगाएंगे, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा EMMC को हम थोड़ा सा बॉक्स से बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पे फ्रेंड इसकी EMMC है, ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ पे आप, ठीक है। तो चलो फटाफट इसकी EMMC को इसके अंदर फ़ोन के अंदर लगा के हम एक बार देख लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो इसकी ये EMMC पहले वाली है और यहाँ पे मैंने दूसरी EMMC इसके अंदर डाला है, ठीक है। तो चलो एक बार पहले यहाँ पे हम ऑन करके देख लेते हैं कि इसके अंदर जो मैंने EMMC डाला है वो यहाँ पे क्या होता है, फ़ोन चालू होता है या नहीं होता है, उसको एक बार यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड फ़ोन को चालू करके देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे फ्रेंड फ़ोन जो है वो चालू नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो अभी सिंपली करते क्या है, इनकी जो है वो EMM इसको मतलब इनका डिस्प्ले दूसरा लगा के यहाँ पे एक बार पहले चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे फ़ोन चालू नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एक बार इसको हम चार्जिंग पे भी लगा के देख लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे सिर्फ इनकी जो है वो वाइट लाइट इंडिकेट हो रही है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, देख सकते हो ये वाइट इंडिकेट हो रही है फ्रेंड, ठीक है। तो चलो एक बार इसको फ्लैश करके हम देख लेते हैं कि फ्लैश हमारा फ़ोन होता है या नहीं होता है। तो एक बार इसको हम फ्लैश करके यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ से मैं इसका SP फ्लैश टूल ओपन कर लेता हूँ। तो एक बार फ्रेंड इसको फ़ोन को एक बार हम फ्लैश करके देख लेते हैं यहाँ पे। वैसे मैंने फ्लैश कर दिया था बट फिर भी एक बार इसको हम फ्लैश करके यहाँ पे देख लेते हैं। इसका ये वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन यहाँ से हम बटन को प्रेस कर देते हैं और प्रेस करने के बाद यहाँ पे डाटा केबल लगा के यहाँ पे जो है ऑथ को बाईपास कर देते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे ये बाईपास हो चुका है और यहाँ पे एक बार इसको हम फ्लैश करके यहाँ पे देख लेते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं कि फ़ोन जो है वो यहाँ पे फ्लैशिंग होना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, यहाँ से मैं लाइट को ऑफ कर देता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो कुछ यहाँ पे मिसमैच कर रही, कुछ यहाँ पे एरर जैसा दिख रहा है यहाँ पे अभी आपको दिख रहा होगा फ्रेंड, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे कुछ मिसमैच करके यहाँ पे अभी आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से इसको हम बाहर निकाल देते हैं, बैटरी एक बार निकाल देते हैं और बैटरी लगा के फिर से एक बार यहाँ पे सेट को ऑन करके चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखो मैंने सेट को चालू किया तो यहाँ पे जो सेट है वो वाइब्रेट अभी हुआ है, ठीक है। तो इसके डिस्प्ले पे कुछ नहीं आ रही है फ्रेंड, सेट वाइब्रेट हुआ है अभी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार हम दूसरा डिस्प्ले डाल के एक बार कंफर्म कर लेते हैं इसको। देखो यहाँ पे एक बार मैं इसको ऑन करता हूँ, आप लोगों के सामने देख सकते हो यहाँ पे, आप इसको यहाँ से हम एक बार ऑन करते हैं।
फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो फ़ोन है वो हमारा ऑन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है और यहाँ पे सेट जो है वो चालू भी होना है, स्टार्ट हो गया फ्रेंड, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि अगर आप फ़ोन को फ्लैश करते हो, ठीक है, अगर मान लो अगर EMMC को मैं एक आपको तरीका बताता हूँ, जैसे मान लो कि EMMC को मैंने UFI बॉक्स के अंदर EMMC में डायरेक्ट फ्लैश कर दिया है, ठीक है, तो आपको एक बार जो है ना फ्लैश करना पड़ेगा आपको किस तरीके से SP फ्लैश टूल में। और फ्लैश जब करोगे आप, जैसे आपने UFI बॉक्स में EMMC को डाला और आपने पूरी तरीके से फ्लैश कर दिया, अब आप EMMC को निकाल के मदरबोर्ड में लगाओगे। अब मदरबोर्ड में लगाने के बाद आपको एक बार फिर से फ्लैश करना पड़ेगा। जैसे आप फ्लैश करोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का एरर देखने को मिलेगा, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये एरर आया और ये एरर आएगा उसके बाद आपका फोन जो है वो चालू हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। तो ये मैंने इससे पहले भी एक सेट में किया था जो हमारा Redmi 6 का फ़ोन था, ठीक है। अभी आप देख सकते हो फ़ोन हमारा जो वो चालू होना स्टार्ट हो गया है, जो कि बिल्कुल ही डेड कंडीशन में मेरे पास यहाँ पे सेट आया हुआ था और इसकी जो EMMC है वो यहाँ पे डैमेज हो गई थी। तो EMMC मैंने आपको दिखाई दिया फ्रेंड, इसकी EMMC, ये इसकी EMMC है जो कि मैंने आपको दिखा दिया वीडियो में, इसका सीरियल नंबर देख के बैक करके देख सकते हो, ठीक है। तो देख सकते हो ये फ़ोन अभी पूरा कंप्लीट चालू होने का यहाँ पे हम वेट कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा लाइट को ऑफ कर देता हूँ। फ्रेंड उम्मीद है कि ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। इसकी डिस्प्ले ऑलरेडी ख़राब है, EMMC मैंने इस फ़ोन के अंदर लगाया तो सेट चालू नहीं हुआ, उसके बाद मैंने एक बार इसको फ्लैश किया और फ्लैशिंग में एरर आया जैसा कि आपने देखा, और उसके बाद मैंने ऑन किया तो ये सेट ऑन हो गया फ्रेंड, देख सकते हो। यहाँ पे इसकी EMMC के वजह से इस फ़ोन के अंदर ओनली वाइब्रेट हो रहा था जैसा कि आपने वीडियो में देखा फ्रेंड, ठीक है। तो फ्रेंड वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, कि आपको अगर वीडियो में कोई भी चीज़ पसंद आता है या आपको कुछ सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो फ्रेंड, ठीक है। और ये सेट को कंप्लीट ऑन होने का वेट कर लेते हैं। इसके अंदर IMEI नंबर वगैरह कुछ भी नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड। इसकी जो IMEI नंबर की जो वीडियो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, क्योंकि इसकी EMMC मैंने चेंज कर दिया और इसके IMEI नंबर रिपेयर होगा तभी हमारा सिम कार्ड इसमें वर्क करेगा, ठीक है फ्रेंड। तो इसकी जो IMEI नंबर की वीडियो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा फ्रेंड, ठीक है। तो चलो फोन को कंप्लीट ऑन होने का यहां पे हम वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड आप देख सकते हो कि फ़ोन जो वो हमारा कंप्लीट यहाँ पे ऑन हो चुका है और इनकी टच पैड तो नहीं निकली हुई है, यहाँ पे टच का वर्क नहीं करेगा, देख सकते हो इनकी टच वाली जो पैड होती है वो यहाँ पे निकली हुई है, तो टच यहाँ पे वर्क नहीं करेगा फ्रेंड, ठीक है। तो ये देख सकते हो, ठीक है, यहाँ से ये वर्क नहीं करेगा। फिलहाल जो फ़ोन है वो हमारा कंप्लीट ऑन हो चुका है। इसको यहाँ से मैं लाइट को ऑफ करता हूँ, फिर से मैं पावर की प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो ये ऑन हो चुका है कंप्लीट, ठीक है फ्रेंड। तो चलो मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।